महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख इलेक्शन कमीशन ने बताई। एक रोज़ पहले 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। महाराष्ट्र में ये लोग क्यों भाग रहे हैं, वजह समझ में आ रही है। हम लोग अक्सर ये लोग यहाँ कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हारने का डर है तो ढकलूं दे इलेक्शन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं 10 साल बाद। 10 साल बाद इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? मैं देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद ये है कि महाराष्ट्र में नगर पालिका और महानगर पालिका, जब से ये हुकूमत आई है तब से कहीं चुनाव नहीं हुआ। वो हुकूमत स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही सारी चीज़ें चल रही है। सत्यपाल मलिक जी ने एक मरतबा कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब वो वहाँ के गवर्नर थे तो 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। फिर वो हटे, गोवा गए, गोवा में भी जो मामलात हुए उसको उजागर किया। तो देखिए, मैं जो बता रहा हूँ कि ये इस देश को बड़े पूंजीपति और कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं। महाराष्ट्र में नगर पालिका और महानगर पालिका का चुनाव नहीं कराने का मकसद ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है वो बहुत खुश है। कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग बहुत खुश है। ये मुंबई महानगर पालिका का सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए का बजट है। अब मान लीजिए नगर सेवक जो होते थे वो क्या करते थे, कितना परसेंटेज था, अब ये सीधा सीधा कट कहाँ, कैसे, क्या, सब सारी समझ में आती। पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने वही जम्मू कश्मीर की तरह वहाँ आतंकवाद बताया, यहाँ इलेक्शन कमीशन मौसम बता रहा है, मजहबी त्यौहार बता रहा है। कोई ना कोई बहाना चाहिए इनको। आतंकवाद, 10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ, उस पूरे राष्ट्र को, जम्मू कश्मीर को चलाने का जो बजट था तनो तनहा हुकूमत और दिल्ली चलाता रहा। सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था उस बात को जहन में रखिए। मुंबई महाराष्ट्र में नगर पालिका महानगर पालिका सारे इलेक्शन डीले हो गए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर मिनिस्ट्री है, जो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है, वो क्या चाहती है कि हुकूमत और उनके दरमियान, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों लेट करवा रहे हैं? आपको यकीनन इस बात का इल्म है कि महाराष्ट्र में जो भी सर्वे आ रहे हैं वह आपकी नैया को डुबा रहे। नगर पालिका महानगर पालिका को तो आपने कर लिया। 26 नवंबर महाराष्ट्र की मतलब इस असेंबली की आखिरी तारीख है, उसके पहले आपको इलेक्शन कराना है। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो यकीनन हम ये समझेंगे, जनता ये समझ रही है, लोग ये समझ रहे हैं, पूरा मीडिया इस बात को समझ रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हो, भगोड़े हो, रणछोड़ दास हो, रन को छोड़कर भाग रहे हो। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो आप इलेक्शन कराइए सही डेट पे, क्योंकि आपने काम नहीं किया। अभी वो लाडली बहना ने तो आपको डुबा दिया, आप डूब जाएंगे लाडली बहना स्कीम में। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपये कर्ज में है, आप और 3-4 हज़ार करोड़ रुपये लाडली बहना के ज़रिए मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना क्या चल रही है सबको मालूम। हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है, और ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, आपने वही मैसेज दिया। क्यों महाराज, मुंबई में कौन सा आतंकवाद था जो आपने 2-2.5 साल तक एक वो OBC के बहाना बना के, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने डिले कर दिया। आपकी जितने भी स्टेट है गुजरात में, वहाँ पे भी नगर पालिका महानगर पालिका का क्या हाल है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है, अगर वक्त पे हुकूमत इलेक्शन कराएगी, आप पूंजीपति वहाँ, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, सारा लेखा जोखा सत्यपाल मलिक, गोवा और जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने बात की, वो यकीनन हमारे दिमाग में अब बैठ रही है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं चलाते, कराना चाहते। वहाँ आतंकवाद का बहाना था, 10 साल तक वहाँ की आवाम घुटती रही, अपने जनप्रतिनिधियों को देखने के लिए तरसती रही, अपने मसाइल को हल करने के लिए दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। वही सत्यपाल मलिक की बात हमें यकीनन सच दिखाई देती है। यहाँ पर भी आपका मंशा वही है। अगर महाराष्ट्र में हुकूमत 26 नवंबर के आगे जाता है तो हम ये समझेंगे कि ये हुकूमत फिर वो राष्ट्रपति शासन लाकर पहले वो नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के साथ नाइंसाफ़ी करती थी, अब पूरे राष्ट्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लादने की कोशिश कर रही है।